अपने सामने बताया है 4 2A स्विच लगा के और 3 होल्डर लगा के जो भी बिल होता है, सुरंग होता है, बड़े बड़े सुरंग होता है, उनमें वायरिंग कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। आइए इसमें पावर सप्लाई दे देते हैं। देखिए, हमने पावर सप्लाई दे दिया और देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। सुरंगों में जो भी वायरिंग होता है, जो भी सर्किट बनाया जाता है, कैसे वायरिंग होता है। देखिए, इसको ऑन कर देंगे और देखिए यहाँ से ऑन करेंगे। देखिए, ये बंद होता है, ऑन होता है, ये बंद होता है, यहाँ ऑन होता है, यहाँ से ऑफ कर देंगे। सुरंगों में ऐसे ही वायरिंग होता है। देखिए, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे, यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। देखिए, और यहाँ से दोनों को ऑफ कर देंगे, यहाँ से दोनों ऑन, या इधर से भी ऑन कर देंगे। देखिए कैसे काम कर रहा है। तो इसका फुल प्रैक्टिकली फुल सर्किट वायरिंग करने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमटी इलेक्ट्रिकल। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिल सुरंग का वायरिंग कैसे किया जाता है। जो भी मोटा मोटा बहुत बड़े बड़े सुरंग होते हैं, उसमें वायरिंग कैसे किया जाता है। तो इसी तरह बने रहिए आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने 4 2A स्विच का इस्तेमाल किया है टर्नल वायरिंग के लिए। जो भी सुरंगों में बड़े बड़े बिल होते हैं, सुरंग होते हैं, उसमें वायरिंग करने के लिए 4 2A स्विच का यूज़ किया है। और 3 होल्डर हमने 3 होल्डर का यूज़ किया है। ऑलरेडी हमने पहले से ही वायर लगा रखा है। तो आइए इसकी वायरिंग करना, इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, 2A स्विच में 3 टर्मिनल होता है और सिंगल वे स्विच में 2 टर्मिनल होता है। तो आइए इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, नीचे वाले टर्मिनल को, और इसमें एक वायर लगाएंगे और इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े सुरंग होते हैं तभी आप इसका वायरिंग करना सीख पाएंगे। देखिए, इसमें हमने लगा लिया और इसमें भी एक वायर लगा देंगे। मैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, इसी तरह हमने नीचे वाले टर्मिनल में लगा दिया। अब हम लगाएंगे ऊपर वाले टर्मिनल में। देखिए, इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके और इसमें टाइट कस देंगे। अब लगाएंगे इसमें और दोनों साइड से एक एक वायर लगा देंगे और इसको टाइट कस देंगे। देखिए, इसको कस लिया गया। अब लगाएंगे इस स्विच में, तीसरे वाले स्विच में। ऑलरेडी हमने पहले से ही स्विच का टर्मिनल को ओपन करके रखा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए और जल्दी से वीडियो बन जाए। देखिए, इसी तरह हमने 4 2A स्विच में 2 टर्मिनल में, एक नीचे वाले टर्मिनल और एक ऊपर वाले टर्मिनल में हमने ऑलरेडी वायर कनेक्टेड कर लिया। अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे, होल्डर का कनेक्शन करेंगे। देखिए, पहला होल्डर है, ये पहला होल्डर का जो है सिरा, उसको हम ये लास्ट वाले मिडिल वाले टर्मिनल में हम लगा देंगे। इसको मिडिल वाले टर्मिनल में लगा के इसको टाइट कस देंगे। देखिए, इसी तरह हमारा एक स्विच का हो गया। अब लेंगे दूसरा होल्डर। देखिए, हमने ऑलरेडी पहले से वायर लगा रखा है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए। और देखिए, इसको हम ज्वाइंट करेंगे एक ही में, और इसको ज्वाइंट करके जो सेकंड स्विच का है मिडिल वाला टर्मिनल, इसमें हम लगा देंगे और लगा कर इसको टाइट कस देंगे। देखिए, हो गया। अब तीसरा होल्डर लेंगे हम। तीसरा होल्डर का भी एक लगाएंगे, इसे ट्विस्ट कर लेंगे इसको, और इसमें लगा के टाइट कस देंगे। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे कि जो भी सुरंग होता है, बिल होते हैं, बड़े बड़े मोट मोट
होल होते हैं उसमें वायरिंग कैसे किया जाता है उसका तरीका हमने बताया। ये देखिए ये जो बच गया लास्ट का सिरा, उसको मिडिल वायर टर्मिनल में लगा के टाइट कर देंगे। अब इसमें देंगे हम पावर सप्लाई का वायर लगाएंगे फेस न्यूट्रल का, देखिए कैसे लगाया जा रहा है। देखिए बन गया हमारा। अब देखिए हमारे पास पहले से ऑलरेडी हमने 2 फीट टॉप में लगा रखा है, और देखिए ये न्यूट्रल और ये फेस, इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो देखिए ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसको ओपन करेंगे और इसमें फेस का कनेक्शन करेंगे, फेस को कनेक्ट करेंगे और इसको टाइट कस देंगे। टाइट कस लिया गया और नीचे वाला टर्मिनल जो है उसमें हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। देखिए इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कैसा वीडियो आपको चाहिए, किस चीज़ का वीडियो आपको चाहिए, मैं बना के आपको दिखा दूंगा फुल प्रैक्टिकल के साथ। देखिए हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। अब इसमें हम बल्ब लगा लेते हैं और इसके बाद से सप्लाई ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा है, वर्क कर रहा है हमारा सर्किट डायरेक्ट सर्किट। देखिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए वो 3 होल्डर का हमने यूज़ किया है और 4 2A स्विच का यूज किया है, और ये बिल सुरंग जो भी बड़े बड़े सुरंग होते हैं उसमें इसका वायरिंग, इसका वायरिंग का यूज होता है। देखिए मिडिल वाला टर्मिनल से होल्डर में गया, होल्डर से इस मिडिल वाला टर्मिनल में दोनों होल्डर में गया है एक साथ में, और इस मिडिल वाले टर्मिनल में 2 होल्डर में गया है, और देखिए इसमें सिंगल है। और देखिए ये फेस का वायर है ऊपर वाले टर्मिनल में, नीचे वाले टर्मिनल में न्यूट्रल का हमने कनेक्ट किया है। आइए इसमें पावर सप्लाई हम देते हैं। तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं हम। देखिए सीधा हो गया। अब इसमें हम पावर सप्लाई देंगे। आइए इसमें हम पावर सप्लाई दे देते हैं। देखिए पावर सप्लाई हमने दे दिया और स्विच को ऑन करेंगे। देखिए हमारा स्विच ग्लो कर रहा है, स्विच हमारा ग्लो कर रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए 2 स्विच ऑन रहेगा तो मिडिल का नहीं जलेगा, और देखिए इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं और इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और देखिए यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, और देखिए यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, ये बंद हो जाएगा, और देखिए इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। अगर आप सुरंगों में ऐसे ही वायरिंग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए, जैसे मान लीजिए जल रहा है, फिर सेकेंड पर जाएंगे तो इसको दबाएंगे तो ये जलेगा, थर्ड पर जाएंगे इसको दबाएंगे तो ये जलेगा, ये बंद हो गया, फिर यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2 जले और ये ना जले, इसके लिए 2 स्विच ऑन ऑफ रहेगा और ये 2 स्विच ऑन रहेगा। ये मिडिल वाला ना जले, लास्ट का ही जले, तो इसके लिए देखिए यहाँ से आप चला सकते हैं और ये दोनों को ऑन करेंगे तो ऑफ रहेगा, यहाँ से नहीं चला सकते। देखिए यहाँ से ये दोनों बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो देखिए कैसे काम कर रहा है। देखिए कितना अच्छा तरीके से काम कर रहा है हमारा, सुरंगों में जो भी वायरिंग होता है ऐसे ही वायरिंग होता है। देखिए यहाँ से भी जला सकते हैं, यहाँ से इसको जला सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से दोनों जल सकता है। देखिए से देखिए एक स्विच से 2 जल सकता है। तो ऐसे होता है सुरंगों में वायरिंग, ऐसे सुरंगों में वायरिंग होता है दोस्तों। तो इसी तरह हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। सुरंगों में और बिलों में जो भी वायरिंग होता है ऐसे सर्किट बनाया जाता है। देखिए एक साइड से आप ऑन भी कर सकते हैं, देखिए इसको लास्ट को भी, इसको दोनों को ऑन कर सकते हैं देखिए, और दोनों को ऑफ है तो इधर से आप ऑन कर सकते हैं। देखिए कैसे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह मेरा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल माई वीडियोज, और प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दें।